नमस्कार दोस्तों, आज मैं कोरोना वायरस पे बात करना चाहता हूँ आप लोगों से, जो कि पूरे देश में, पूरे विश्व में कहर मचाए हुए हैं। हमारे भोजपुरी के कुछ सिंगर हैं जो इस पे जो है डबल मीनिंग के गाने गा रहे हैं। कुछ हमारे ऐसे दोस्त हैं जो टिकटॉक, फेसबुक, ऐसी ऐसी कॉमेडी की वीडियो डाल रहे हैं। इस कोरोना वायरस का ऐसा कहर है जो अच्छे अच्छे लोगों की नींद हराम कर दिया है। हमारे डॉक्टर, हमारे वैज्ञानिक, किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा है इसकी दवा कैसे बनाएं, इससे कैसे निपटा जाए। वहीं पे तमाम किसी की अफवाहें। कल जो है 22 मार्च को अपने पूरे भारत देश में जनता कर्फ्यू है लगाया गया है। मैं चाहता हूँ, आप लोगों से गुजारिश करता हूँ कि आप लोग अपने घर में रहें 7 बजे से 9 बजे तक, रात्रि तक। जनता कर्फ्यू में सहयोग करें। कुछ लोग हैं जो इसको भी जो है धर्मवाद से जोड़ रहे हैं। एक हमारे मित्र थे, वो बोल रहे थे कि अरे भैया, ये तो मोदी जो जो है शाहीन बाग से पब्लिक को हटाने के लिए ऐसा कर रहे हैं। तो दोस्त, ये मोदी जी नहीं, पूरा देश जो है इस तरह का कर्फ्यू और इस तरह का इंतजाम कर रहा है। आप किसी भी पार्टी से रहें, सपा, बसपा, भाजपा, कांग्रेस, उससे हमें कोई लेना देना नहीं है। हाँ, लेकिन देश पे इतना बड़ा संकट आया है और आप लोग इस तरह से मस्ती मजाक कर रहे हैं। मुर्गे की दुकान पे आज मैं बता रहा हूँ, इतनी भीड़ थी, कहीं से न्यूज़ मिल गई थी मुर्गे से कोरोना वायरस नहीं होता है। ठीक है, मैं मानता हूँ अगर मुर्गे से नहीं होता है, लेकिन आप लोग 30 रुपया किलो मिल रहा है, इसकी वजह से इतनी भीड़ लगाए हुए हैं, ये जानते हुए कि ये छुआछूत की बीमारी है। सांस अगर एक दूसरे से आदान प्रदान हो जा रहा है तो उससे बीमारी फैल रही है, उसके बावजूद आप लोग इतनी भीड़ में जा रहे हैं। कहीं कहीं इतनी अफवाहें हैं कि कल बंद कर दिए हैं, उसके बाद हमेशा के लिए मार्केट बंद हो जाएंगी। ज़रूरत के हिसाब से आप लोग सामान खरीद रहे हैं, से ज़्यादा ऐसा भी मत करिए। और हमारे जो इंडस्ट्री के लोग हैं, उनसे मैं गुजारिश करूँगा कि आप लोग लाइव आकर अपने फॉलोअरों, अपने दोस्तों, अपने चाहने वालों को प्लीज़ इसके बारे में बताएं। जैसे कि आज केसारी भैया को हमने देखा कि वो लाइव आकर सबसे बता रहे थे, हमें बहुत खुशी हुई। ऐसे मामलों में आप लोगों को ज़रूर आना चाहिए आगे, ना कि इस पर कॉमेडी टिकटॉक वीडियो बनाएं या यूट्यूब पे गाने बनाएं ऐसे डालें। आप सब मार्केट से आते हैं या कहीं भीड़ भाड़ जगह से आते हैं तो अपने हाथ साबुन से अच्छी तरह से धो लें, या तो कुछ खाने से पहले आज आप मार्केट में जाते हैं तो सैनिटाइजर का प्रयोग करें, मास्क लगाएं और जहाँ तक हो सके भीड़ भाड़ वाली जगह पर ना जाएं। धन्यवाद, आपका छोटा भाई आशीष लाल यादव।